ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। रामनवमी यानी कि वो दिन जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इस साल यानी कि 2021 में 21 अप्रैल को मनाई जा रही है। आज मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगी जिनका जाप करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के घर हुआ था। हर साल चैत की नवमी के दिन शुक्ल पक्ष में ये दिन मनाया जाता है। इस बार ये दिन 21 अप्रैल को पड़ रहा है। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की सारी विपत्तियां अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से भगवान की राम की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम के इस मंत्र के समान कोई और मंत्र नहीं है। इस मंत्र की विशेषता ये है कि आप इसको कभी भी और कहीं भी जप सकते हैं। इसको जपने से जिंदगी की सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। ओम रांग रामाय नमः। भगवान राम के इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी पुत्र और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ओम राम भद्राय नमः। अगर आपके काम में बार बार रुकावट आ रही है तो आप इस मंत्र का जाप करें, इससे आपकी सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ओम राम चंद्राय नमः। भगवान राम के इस मंत्र का जाप करने से जीवन के सभी कलेश मिट जाते हैं और जीवन में शांति की अनुभूति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम हन हनुमन्ते श्री रामचंद्राय नमः। भगवान शिव हनुमान जी और रामचंद्र जी का यह मंत्र बहुत ही लाभदायक और दुखों को दूर करने वाला है। ओम रामाय धनुषपाणाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से कानूनी मामले में फंसे लोगों को तुरंत राहत मिलती है। राम का नाम अपने आप में ही मोक्ष का द्वार है। अगर कोई भी मंत्र ना जप पाए तो केवल राम राम जपने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है और सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। राम का नाम आप कभी भी और कहीं भी ले सकते हैं। तो इन मंत्रों में जो भी आपके समस्या के अनुसार मंत्र हो या राम का नाम, आप रामनवमी के दिन नहा धोकर राम जी की फ़ोटो के सामने बैठकर जरूर जपें। एक माला यानी कि 108 बार भगवान राम आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जय सिया राम। धन्यवाद।